जैन धर्म के लोगों ने सुंदरता के मामले में बहुत सारे टेंपल बनाए हुए हैं और वही सुंदरता से भरा हुआ हमारा एक टेंपल है रणकपुर के अंदर, जिसे जैन टेंपल के नाम से भी माना जाता है। इस टेंपल का विभाग किताबों में भी बहुत अच्छे से दर्शाया गया है। कहते हैं कि यहाँ पर जैन धर्म के जितने भी देवता माने जाते हैं वह इस टेंपल के अंदर समर्पित है, अलग अलग जगह पर अलग अलग नाम से। वेलकम टू ए न्यू वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि कुंभलगढ़ फोर्ट को एक्सप्लोर करने के बाद में हम रास्ते से निकल रहे थे, तो सोचा कि रणकपुर टेंपल, जो कि राजस्थान का जैन मंदिर में से सुप्रसिद्ध मंदिर माना जाता है इसकी कलाकृति इसके डिजाइन के अनुसार, तो हमने सोचा कि वो एक्सप्लोर करते हैं। सो फाइनली हम इधर जा रहे थे फालना रेलवे स्टेशन की तरफ, तो सोचा कि रणकपुर टेंपल को भी एक्सप्लोर करके चलते हैं। तो यह जो रणकपुर टेंपल है यह पाली जिले के अंदर पाया जाता है, जो कि उदयपुर पाली के जो मतलब हाईवे है और उसके बीच में से यह रणकपुर मंदिर जो है वो आपको ऑन द वे ऑन रोड ही मिल जाए। तो दोस्तों, यह जैन मंदिर का बाहरी दृश्य जो कि आप देख सकते हो, यह राजस्थान का एकमात्र जैन मंदिर ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा सुप्रसिद्ध है। मतलब यहाँ पे जैन धर्म के जितने भी देवता हैं या जितने भी गॉड्स वगैरह हैं वो सब इस जैन मंदिर के अंदर मतलब निर्दर्शित किए गए हैं, और साथ ही साथ इसके अंदर इतने अच्छे अच्छे डिज़ाइन बनाए गए हैं ना, हर एक कलाकृति बनाई गई है अच्छे से। यह सुप्रसिद्ध होने का कारण इसका डिज़ाइन है। आप बाहरी दृश्य देखोगे तो भी आपको पता चलेगा कि इसका डिज़ाइन कैसा है, और यह जैसे सामने से दिख रहा है ना सेम टू सेम, वैसे ही चारों ओर से दिखता है, बिल्कुल सेम टू सेम है। दोस्तों, इस जैन मंदिर की खासियत सिर्फ यही है कि इसका जो डिज़ाइन और जो इसकी कलाकृति है ना, जो इसके अंदर से डिज़ाइन बनाए गए हैं, जो इसके अंदर हैंडमेड कलाकृति की गई है वही सबसे ज़्यादा फेमस है, और इसी प्रकार से यह जैन मंदिर राजस्थान का सुप्रसिद्ध जैन मंदिर माना जाता है। और अंदर आपको देखने को मिलेगा इसके अंदर मतलब एक जैन जो कि मतलब फेमस जो इनके महत्वपूर्ण देवता हैं वो वाले मेन पे, और बाकी सब जितने भी जैन देवता हैं इनके वो वाले आपको देखने को मिलेंगे। और साथ ही साथ आपको देखने को मिलेगा अंदर अलग अलग तरीके के डोर बने हुए हैं, जिससे आप अलग अलग तरीके के देवता हैं उनके पास जाके पूजा कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ गुलाब के फूल ले जाके, इसके अलावा आप कुछ ले जा नहीं सकते अंदर। और इसके अंदर पर्सनल फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी करना मना है, इसीलिए मैं अंदर की आपकी जो कलाकृति है वो आपको दिखा नहीं पाऊँगा। बाकी आप विजिट करोगे यहाँ पे आके तो आप महसूस कर पाओगे कि इसका जो डिज़ाइन है, इसकी जो कलाकृति है वो सच में बहुत ज़्यादा फेमस है और सच में बहुत ज़्यादा अत्यधिक प्रसन्न करती है। तो आप यहाँ पर जब भी आओ ना तो एक चीज़ नोट करके आना, मतलब यहाँ के कुछ रूल एंड रेगुलेशंस हैं वो आपको यहाँ पर आके पढ़ने पड़ेंगे पहले, और उसके बाद ही जैसे मतलब कि अपन शॉर्ट्स कपड़े पहन के नहीं आ सकते, और भी बहुत सारे लड़कियों के लिए भी रूल्स बनाए गए हैं, तो वो रूल्स फॉलो ही करने पड़ते हैं क्योंकि ये जैन धर्म का मतलब एक मेन टॉपिक ही मान लो समझ लो। पर प्लीज़ यहाँ पे अगर रणकपुर में आते हो ना तो आप एक बार विजिट करना रणकपुर के इस जैन टेंपल को, वह काफ़ी बहुत ज़्यादा फेमस है, किताबों में भी आया हुआ है ये मंदिर। सो आप इसमें विजिट करके इसको एक्सप्लोर करना, सच में बहुत शानदार बना हुआ है ये मंदिर। तो अभी व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट करके बताना, और सब्सक्राइब कर देना प्लीज़। बनने की नेक्स्ट एक्सपीरियंस। और इसी प्रकार जैन टेंपल के आगे बनी एक सुंदर झील को कवर करके और वहाँ पर थोड़ा मस्ती करके निकल जाते हैं हम अपने घर।